बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झालावाड़ के खानपुर में मानसून की बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल रख दी। यहां महात्मा गांधी विद्यालय में कक्षों में पानी भरने से बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अनहोनी की आशंका के चलते स्कूल के प्रिंसिपल ने अवकाश घोषित कर दिया है। जिस तरह से पूरे देश भर में बारिश का दौर जारी है, उसी ओर झालावाड़ में बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। विद्यालयों में जलभराव हो गया है और जिस वजह से क्लासेस को कैंसिल कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खानपुर से फोन लाइन पेवन संवाददाता सुनील जुड़ चुके हैं। जी सुनील, बताएं क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी हाँ, सीधा पूरा मामला जो है झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे के जो चांदखेड़ी महात्मा गांधी की इंग्लिश मीडियम है, वहाँ के स्कूल के कक्षा 6 और 10 के जो कक्षा उसमें पानी जो है प्रतिदिन भर गया है और जो मच्छर काटने की वजह से जो है आज कक्षा में बैठने से विद्यार्थियों ने मना कर दिया है। वहीं इस मामले को लेकर स्कूल प्रिंसिपल ने भी जो है CBO खानपुर को कक्षा 6 और 10 का अवकाश घोषित करने की जो सूचना है वो पत्र के माध्यम से दी है। आपको बता दूं कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल और पुराने पटवार घर की जो दीवारें वो एक दूसरे से सटी हुई है और पटवार घर की जो बिल्डिंग का छत की नाली है वो उसका पानी विद्यालय के कक्षा कक्षों में निकल रहा है, जिसकी वजह से कक्षा कक्ष में पानी का भराव, गंदगी व मच्छर पनप रहे हैं। इसको लेकर प्रिंसिपल ने कई बार जो है उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन कोई सुध नहीं लिए और इसी के चलते जो है आज बच्चों ने कक्षा बैठने से मना कर दिया है। जी सुनील, एक और आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि अब स्थिति कैसी बताई जा रही है और कब तक स्थिति ये ठीक हो जाएगी, इसके बारे में कुछ जानकारी? स्थिति अभी फिलहाल वैसी की वैसी है जैसे पहले थी। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने कक्षा 6 और 10 का अवकाश घोषित कर दिया है जी। और मामले को लेकर उच्च अधिकारी को भी अवगत करा दिया है, क्योंकि इससे स्टूडेंट्स को काफी नुकसान होगा पढ़ाई का। जी, इससे तो स्टूडेंट को काफी नुकसान, तो मच्छर का। जी सुनील, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे फोन लाइन पे खानपुर से सुनील, जिन्होंने पूरी जानकारी दी इस मामले पे कि किस तरह से बारिश का दौर जारी है और इसी को लेके स्कूल्स और क्लासेस रद्द कर दी गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे स्कूल के प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद। जी राजेंद्र जी, बताइए कि किस तरह से ये क्लासेस रद्द कर दी गई हैं, बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैडम क्या है कि हमारा स्कूल पहले तो धर्मशाला में चलता था जी, फिर उसके बाद ये उच्च प्राथमिक विद्यालय बना तो उसकी बिल्डिंग बनी तो उसमें स्थापित कर दिया गया। इसके सामने पुरानी तहसील है जो जर्जर अवस्था में है, इसमें जो छत के नाले है ना, उसको इन पटवारियों ने इनके माध्यम से हमारे स्कूल में पानी चला दिया। जी अब, तो अब इस चीज को लेके आप आगे क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसी क्लासेस अगर कैंसिल होंगी तो स्टूडेंट्स को काफी नुकसान होगा पढ़ाई का। मैडम, हमने CBO साहब से भी कह दिया और तहसीलदार साहब से भी कह दिया, अभी पानी निकालते हैं फिर वापस पानी आ जाता तो फिर भरा क्या था। जी, आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।